मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पीछे हमने डिस्कस किया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से, तो उस पे कुछ एक हमारे और प्रॉब्लम्स हैं, तो वो और देखिए, जो कि हम क्वाड्रिलेटरल ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात अगर आए तो किस तरह से हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं, और अगर हम एरिया निकालना चाहें किसी एक ट्रायंगल का, लेकिन वो ट्रायंगल कैसे बने, मिड पॉइंट्स के जरिए बने, तो उसका हम कैसे एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है। सबसे पहले है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल होज वर्टिसेस आर। कोई एक ट्रायंगल हमारे पास है, कोई एक ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल फॉर्म यानी बनेगी, कैसे बनेगी, बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से। किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर देखिए, यहाँ लिखा है हमें एरिया निकालना है किसी ट्रायंगल का, लेकिन ट्रायंगल कहाँ से बनेगी, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे बनेगी वो ट्रायंगल, और ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे, और उसके वोल्टेज हमें दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो ट्रायंगल दे रखी है, एक ट्रायंगल दी हुई है और दूसरी ट्रायंगल हमें बनानी होगी। जो दी हुई ट्रायंगल है उस ट्रायंगल की साइडों का मिड पॉइंट ज्वाइन करना है हमें, तो दूसरी ट्रायंगल बन जाती है। जैसे ये आपके पास गिवन ट्रायंगल है, सॉल्यूशन में देखिए, जैसे ये हमें गिवन ट्रायंगल है, ट्रायंगल इसके वर्टिसेस 0, -1A, 2, 1B और C, 0, 3, इनके मिड पॉइंटों को, इनका मिड पॉइंट हमने यहां पे ले लिया, यहां पे ले लिया और यहां पे ले लिया, E, F और G, हमने यहां पे मिड पॉइंट ले लिए। तो इन मिड पॉइंटों को जब हम ज्वाइन करते हैं, तो यहां पे एक ट्रायंगल और परफॉर्म हो जाती है जिसका नाम है EFG। तो ये जो ट्रायंगल है EFG, इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इन पॉइंटों को डिफाइन करेंगे। पॉइंटों को डिफाइन करने के लिए देखिए, ये पॉइंट है, ये तीनों मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा एक होता है, उसकी हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है, इस तरह से दो पॉइंट है, पहला X1, Y1, दूसरा X2, Y2, तो इनके बीच का ये बिंदु है, ये मिड पॉइंट है, और ये कैसे निकाल सकते हैं, ये मिड पॉइंट, जैसे ये पॉइंट आपके पास A हो, ये B हो, और इनके बीच का ये पॉइंट M है, तो ये कैसे निकालेंगे, XX कोऑर्डिनेट को जोड़ के दो से डिवाइड कर दीजिए, X1 + X2 / 2, और Y और Y यानी Y1 + Y2 / 2, ये हमारा होता है पॉइंट M का कोऑर्डिनेट, यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं इसको। दो पॉइंटों के बीच अगर हमें तीसरा पॉइंट मिड पॉइंट निकालना हो, तो उसके लिए एक्स एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ के दो से डिवाइड करिए, वाई वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ के दो से डिवाइड करिए। तो ऐसे हम सभी साइड्स का मिड पॉइंट निकालते हैं, एसी का निकालते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, यहाँ भी एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो 0 आ जाएगा डिवाइड करने पे दो से, यहाँ -1, यहाँ पे 3, 3 और -1 को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2, और डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 1। इसी तरह यहाँ पे मिड पॉइंट बनाएंगे तो 2 और 0 को ऐड करते हैं तो 2 ही आएगा, 2 से फिर भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 और 3 को जोड़ देंगे तो 4 बन जाएगा, और 4 को फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 को फिर हम भाग करेंगे 2 से तो 1 आ जाएगा, सॉरी -1 और 1 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। दोबारा से देखिए एक बार मिड पॉइंट, 0 और 0 को जोड़ते हैं तो 0 ही आएगा, 2 से भाग करेंगे तो भी 0 रहेगा, -1 और 3 को जोड़ते हैं तो 2 आएगा, 2 को फिर 2 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2, 2 को फिर 2 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4, 4 को 2 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, इसी तरह से ही। अब हमें एरिया निकालना है ई
एफ और जी का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ जी हम निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ जी। अब कैसे निकालते हैं एरिया, एरिया निकालने के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला बना चुके हैं 1/2। अब आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहला हमारा है 1 0 1 0, दूसरा है 1 2 और तीसरा है 0 1। पहले को दोबारा से रिपीट कर दे, 0 1 के बाद 1 0। अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सबसे पहले यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2 - 0 प्लस, ये हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला पिछले लेक्चर में, फिर यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 1 बीच में माइनस, 0 की यहां पे गुणा करते हैं 2 के साथ तो 0 प्लस, फिर यहां करेंगे तो ये 0 और यहां करते हैं तो 1, बीच में माइनस लगाए तो ये -1 हो जाएगा आपका। अब इसके बाद देखिए यहां से हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, इसका एरिया हो जाएगा हमारे पास 1/2 और यहां पे आ जाएगा 2 + 1 और ये -1, तो ये -1 और ये +1 कट जाएगा, 2 आ जाएगा आपके पास, यहां से 2 से 2 कैंसिल, = 1 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया आ गया 1 स्क्वायर यूनिट्स। जो हमारे बीच की जो ट्रायंगल है इसका जो एरिया होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में रेशियो की बात हो, रेशियो निकालना हो हमें, यानी अनुपात निकालना हो, किस किस का अनुपात पूछा जाए दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का, तो बीच वाली जो ट्रायंगल आपकी है मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनी है उसका एरिया तो हमारे पास आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। इसी तरह से हमारे पास ट्रायंगल ए बी और सी है, इसके भी तीनों कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, तो इनका भी एरिया निकाल सकते हैं और एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारा यही होगा। इस तरह से हम एरिया निकालने का फॉर्मूला जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, 1/2 और तीनों कोऑर्डिनेट लिखो, पहला कोऑर्डिनेट रिपीट करिए फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सेकेंडली हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ हो और उसका हमें एरिया डिफाइन करना हो यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें पूछा गया है, जैसे कि हमारे पास ये कोई क्वाड्रिलेटरल हम अज्यूम कर लेते हैं, ऑर्डर में हमें यहां पे पॉइंट्स डिनोट करने हैं, पहला है -4 - -2, दूसरा है -3 - 5, तीसरा है 3 - 2 और चौथा है 2 3, ये है हमारे पास। तो यहां पे हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया डिफाइन करना हो तो एरिया निकालने के लिए देखिए इसमें हमें एरिया निकालना है कोऑर्डिनेट की हेल्प से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से, तो हम यहां पे इस क्वाड्रिलेटरल को पार्टीशन में कर लेते हैं, यानी यहां हम इसका एक डायगनल बनाते हैं और डायगनल बनाने के बाद में यहां दो ट्रायंगल बन जाते हैं हमारे पास, एक ट्रायंगल बन जाती है ए डी सी और दूसरी ट्रायंगल होती है ए बी सी, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का हम एरिया निकालते हैं और दोनों को मर्ज कर देंगे, वो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बराबर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी प्लस दूसरी ट्रायंगल हमारी है ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स का हम एरिया निकालेंगे और फिर ऐड कर देंगे यहां पे, वो हमारा हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया होगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, दोनों का एरिया निकाल के ऐड करें। एरिया निकालने का तरीका आपका यही है जो पहले किया था, तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, एरिया निकालते हैं हम ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, देखिए 1/2, उसी तरह से ए डी सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लो ए डी सी, तो ए का हो गया -4 - 2,
डी का हो जाएगा 2, 3 और सी का 3-2। फिर हम क्या करते हैं, इनको रिपीट करते हैं पहले कोऑर्डिनेट्स को। अब यहां पे एरिया निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 1/2 -12, बीच में माइनस लगाएंगे, 2 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और ये -+4 हो जाएगा। देखिए एरिया निकालते हैं तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो बीच में माइनस लगाते हैं, पहले ऊपर से गुणा करेंगे नीचे की तरफ, फिर माइनस लगाएंगे, फिर नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे। इसी तरह से अगले स्टेप में इसकी गुणा करते हैं तो -4, बीच में -3, 3 9 प्लस यहां पे करेंगे तो 3 की -2 से -6, बीच में माइनस, और यहां पे देखिए -4 की -2 से करते हैं तो +8, तो बीच में माइनस रहेगी एज इट इज आपके पास, ये सेम रहेगा, ये आपका एरिया बन जाएगा। यहां से -12 + 4 हो गए 8 नेगेटिव के, -4 और -9 हो जाएंगे -13 और -6 और -8 हो गए -14। तो यहां से हमारे पास इनको सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए -13 और -14 हो गया 27 नेगेटिव के, और 27 और -8 यानी कि हमारे पास आ जाएंगे 27 नेगेटिव के हैं और नेगेटिव का ही -8 है तो -35। लेकिन एक बात आपको ये बताई गई थी, एरिया हम निकालेंगे तो वहां पे हमें ये वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि एरिया होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑलवेज बी पॉजिटिव, देयरफॉर वी टेक द वैल्यू इज पॉजिटिव और ये 35/2 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा एरिया बन जाएगा। ये हमारे पास पहले ट्रायंगल का एरिया आया। इसी तरह से हम दूसरी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे ए बी और सी का, फिर दोनों का एरिया ऐड कर देंगे और वो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सेकंड ट्रायंगल का हमारा एरिया देखिए क्या आता है, एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल यानी एबीसी का देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इक्वल्स टू 1/2 और कोऑर्डिनेट्स हमें ले रहे हैं ए के -4 -2 -3 -5 3 -2। फर्स्ट कोऑर्डिनेट रिपीट, और यहां से फिर हम इसको सोल्व करते हैं, देखिए 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 की -5 से गुणा +20, बीच में माइनस लेंगे और फिर यहां इनकी गुणा करेंगे तो 6 20 -6 20 -6 प्लस, फिर नेक्स्ट यहां पे करते हैं तो +6 बीच में -3 की -5 से -15 और 1 -15 प्लस यहां बना करते हैं तो -6 बीच में -8। तो यहां से आपके पास क्या आउटपुट मिलता है, देखिए 14 और ये आ जाता है 15 और 6 21 और ये -14 है, तो -14 और +14 कैंसिल और आपके पास 21 बच गया और डिवाइड में 2, तो हमारा एरिया यहां से क्या बन जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हमारे पास आ चुका है। हमें टोटल एरिया निकालना हो तो लिखेंगे टोटल एरिया, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया ऐड कर दीजिए यानी 56/2 प्लस में सॉरी 35 है, यहां पे 35/2 प्लस में 21/2, यहां पे हमारे पास इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा, यहां पे नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा तो 56/2 यानी इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 2 4 2 8 16 28 स्क्वायर यूनिट।
ये हमारा टोटल एरिया आ जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से हम किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।